ए हद भाग दिखा दीदी कहाँ रहा जाए भाई कहाँ। जय हिंद साथियों, मैं पंकज मिश्रा बनपाल वनमंडल सीधी से। साथियों अभी हमारे कंट्रोल रूम पे फोन आया है कि रामगढ़ खैरही सीधी से कि एक व्यक्ति के घर में कोबरा, एक व्यक्ति के घर में स्नेक है, तो हम लोग वहाँ पे चल रहे हैं। साथियों हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं उस स्थान पर जहाँ पे स्नेक है। साथियों वो भैया काफ़ी परेशान है, जब कभी ऐसी अवस्था पर स्नेक हो तो आप लोगों को भयभीत मत होइए, एक भी पैनिक नहीं होना है। आप लोग तुरंत वन विभाग को संपर्क करिए, वन विभाग की टीम सदा आपके लिए मौजूद है। तो साथियों हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे और चलिए देखते हैं वह किस अवस्था पर है। क्या है भैया, नमस्ते, आपके यहाँ है? हाँ, कहाँ पे? पीछे से चलिए, पीछे से चलिए हैं और चलिए देखते हैं। ये यहाँ पे है, यहाँ पास से। अच्छा यहाँ पे है? हाँ ये पाइप है, यही घुसा है, वो तो पहले से ही बंद है, यहाँ से बंद है ना। चलिए दिख रहा है, है जानते हैं कोबरा ही एकदम काला है। और हम लोग यहाँ पे अब पानी भरेंगे इसके अंदर, तो ये अब निकलेगा तो हम लोग चलते हैं इसमें पानी डालेंगे। हम लोग ये पाइप बिछा रहे हैं इसमें डालने के लिए और ये यहाँ पे है, यहाँ पे तो हम लोग इसमें पानी डालेंगे। चप्पल एक स्तन निकली, निकाला ए हद भाग भागे भाई, भैया भागे चला गया। हाँ मिल गया, कहाँ मटा रहा पकड़ में आ गया। नहीं बाहर भी ले चलेंगे। हाँ वहीं तरफ चला आगन मागन ये है, ये है, ये लाओ एक और डंडी से लाओ। साथियों ये है और इसको आप देख सकते हैं और काफी ये हिंसक कोबरा है। फुसकार अल्लाह है और चलते हैं साथियों हम लोग अब इसको सुरक्षित रख के आप सुरक्षित अपने जंगल पे रिलीज कर देंगे। जो मुंह पे लिए हाँ पास में ले आप होगा बैग, हम बैग आवेदा हुआ है। बढ़िया फील है, हाँ पूरा होगा दवाई ना, वह देखा कैसे वो करते हैं। साथियों अब हम लोग इसको रखते हैं और अपने जंगल में सुरक्षित रिलीज कर देंगे। दिखा दीदी कहाँ रहा जाए भाई, कहाँ जात देखा कैसा फुसकार अल्लाह है। साथियों ये है इसमें और हम लोग चल के इसको सुरक्षित जंगल पे रिलीज करते हैं। साथियों कभी भी आप लोगों के घर में यदि कोबरा स्नेक है तो आप लोगों को पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वन विभाग की टीम 24 घंटे आपकी मौजूद है। तो हम लोग तुरंत आप हमारे कंट्रोल रूम पे फोन लगाइए, हम लोग तुरंत आपके पास आएंगे। साथियों हम लोग चलेंगे और इस कोबरे को सुरक्षित अपने जंगल पे रिलीज कर देंगे। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस सबको बचाया है, उनका वन विभाग सदा आभारी है। आप लोगों से ऐसी मेरी अपेक्षा है कि आप लोग ऐसे ही इन वन्य प्राणियों को बचाएं जिससे कि अपनी प्रकृति बनी रहे और हम लोग बने रहें। साथियों हम लोगों को कभी भी वाइट करे यदि स्नेक तो किसी भी झाड़ फूक में नहीं पड़ना है और जल्द से जल्द हमको जिस व्यक्ति को वाइट किया है तो उसको तुरंत से तुरंत अस्पताल पहुंचाना होगा। साथियों चलते हैं और उसको हम लोग सुरक्षित जंगल पे अपने रिलीज कर देंगे। भैया आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार विश्वकर्मा। ये आपके यहाँ कब था? ये आज सुबह 4:30 बजे मम्मी जी को दिखा है। जी जी उठे थे तो यही रास्ते पे दिखा वो। जी जी तो फिर वहाँ से यहाँ तक आया आधे रास्ते। जी जी उसके बाद वो जाके पाइप में घुस गया तो सुबह से वो पाइप में ही था। जी जी आपने कहाँ पे संपर्क किया? हमने ये कंट्रोल रूम में संपर्क किया। चलिए आप हम लोगों ने सकुशल पकड़ लिया। हाँ सर
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा काम किया है इसको वन्य प्राणी को बचाकर। साथियों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी ऐसी रुचि लाइए और इसे वन्य प्राणियों को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, हम लोग आ गए हैं और इसे अपने विशेषाबाद पर, तो हम लोग इसको अब यहाँ पे सुरक्षित रिलीज करते हैं। साथियों अभी निकल गया है और ये चला जाएगा राजा, और ये चला जाएगा अपने जंगल में रहेगा, और इसके लिए पानी भी है, जा रहा है अब, चला जा रहा है। साथियों हम लोगों ने इस कोबरे को ये विशाखापट्टनम पर छोड़ दिया है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी का, जिन्होंने भैया का, जिन्होंने इस सर्प को बचाया है। आशा है साथियों आप लोग ऐसे ही वन्य प्राणियों को, इन सर्पों को बचाने में आप लोग वन विभाग की मदद करेंगे। साथियों यह मेरा कार्य आप लोगों को कैसा लगा कृपया मेरे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो अगले वन्य प्राणी के साथ, अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत।